अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अजहर सो और आज हम बात करेंगे आईफोन टू आईफोन डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो शुरू करते हैं। आईफोन टू आईफोन डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने चेक करना है कि सॉफ्टवेयर वर्जन दोनों के जो है एक ही हो। जैसे इसका 14.3 है तो इसका भी 14.3 हो। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा कि आईफोन टू आईफोन डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं और उसमें क्या क्या आपकी जो चीजें हैं वो आती हैं। तो मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं कि आईफोन टू आईफोन जो डेटा ट्रांसफर करते हैं हम, तो उसमें आपकी जो भी डेटा है, आपके व्हाट्सएप की चैट मैसेजेस हिस्ट्री, आपके पासवर्ड्स, आपकी जो एप्स हैं जितनी भी एप्स हैं उनकी डेटा, या आपके फोटोज हैं, फोटोज वीडियोज जो भी कुछ है आपका, सारी चीजें एज टू एज इस चीज की बन के न्यू आपकी डिवाइस में जाके लग जाएगी। एप्स, आपके मैसेजेस, इवन के आपके कॉल लॉग्स और आपका जो ये वॉलपेपर है ये भी जाके उसमें सेट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ही होता है। सबसे पहले क्या करना है, अब मेरे पास ये नया मोबाइल है, मुझे इसमें ट्रांसफर करनी है इस मोबाइल की डेटा। ये जो नया मोबाइल, ठीक है, इसको आपने सबसे पहले रिसेट करना है। पहले आपने चेक करना है आपकी कोई आईडी या कुछ आईक्लाउड आईडी या ऐसा कुछ ना लगा हो। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको जाके रिसेट करना है आपने। रिसेट होने के बाद जब तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो, आपने इस मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर देना है और सेम वाईफाई से दोनों मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो अब क्या करना है, अब ये आपका हो चुका है, अब इसको आपने ओपन करना है, इंग्लिश पे जाना है, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें आपकी मर्जी, रीजन जो है आपका, मेरा पाकिस्तान है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इसमें जाके इन दोनों मोबाइल्स को आप एक दूसरे के करीब करना है। आप खुद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपने इसको कनेक्ट करना है, इसको आपने स्कैन करना है, इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, उसमें आपसे ये कोड मांगेगा, यहाँ पे कोड शो होगा, यहाँ पे आपने इंटर करना है, उसके बाद आपका प्रोसेस इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इस मोबाइल को रख देना नीचे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि इसको भी, जो आपका पुराना मोबाइल है और जो आपका नया मोबाइल है, दोनों को एक ही वाईफाई से कनेक्ट करके रखिएगा। इसके अलावा ये प्रोसेस नहीं हो सकता और दोनों डिवाइसेस एक ही वर्जन पे अपडेट हुई हुई हो। अगर वो 14 पूरे पे है तो इसको भी 14 पूरे पे रखना है। सेटअप लेटर आपकी मर्जी, इसको आप अभी लगा जाए आपकी मर्जी, लेकिन मैं अभी आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी ऐड नहीं करा इसमें। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अदर्स आईफोन, ये सब इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आपसे आईडी मांगेगा, जो आपकी एपल आईडी है उसका पासवर्ड मांगेगा। अब आपने यहाँ पे जो आपकी एपल आईडी है उसका आपने पासवर्ड इंटर करना है, इंटर कर देना है आपने। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने अग्री करना है। डोंट शेयर पे लगाता हूँ, स्किप दिस स्टेप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको अभी फिलहाल स्किप कर दें। अभी आपकी डेटा ट्रांसफर हो रही है, टाइम एस्टिमेट कर रही है, इसके बाद आपकी डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं ये मोबाइल, ये अपनी डेटा जो भी जितनी मैंने इसमें ट्रांसफर की है वो रिस्टोर कर रहा है अपने पास। तो इसको थोड़ी देर रख देते हैं। रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने, कंटिन्यू आपकी मर्जी है। फेस आईडी भी आप लगाएं ना लगाएं, मैं इसको लेटर कर देता हूँ। पासकोड भी आपकी मर्जी, लगाए ना लगाए, मैं इसको डोंट यूज पासकोड फिलहाल कर रहा हूँ। अग्री करना टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने, इसको आपकी मर्जी शेयर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर दें या नॉट नाउ करें, मैं इसको नॉट नाउ कर रहा हूँ फिलहाल, डोंट शेयर कर रहा हूँ इसको फिलहाल। कंटिन्यू, स्वाइप अप टू गेट स्टार्टेड। अब आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल को कंपेयर करके आप, एज इट मेरी डेटा जो भी जितनी डेटा थी सारी वो यहाँ पे आ चुकी है। अभी मैं इनको वाईफाई से कनेक्ट रखूंगा, मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट रखूंगा तो सारी मेरी जो एप्स हैं इंशाल्लाह जल्दी ये फिर सारी हो जाएंगी। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जितनी मेरी फाइल्स हैं सारी सेम एज इट, वही मेरी फाइल्स यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं मिक्स का फोल्डर सेम वही पड़ी हुई है। मेरे कॉल लॉग्स आप देख सकते हैं, ये मेरे कॉल लॉग्स हैं सेम। मेरा फोटोज देख सकते हैं आप, अभी ये आप खुद देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं आप 5433 फोटोज हैं। पूरी जो भी डेटा है मेरी वो सारी डेटा यहाँ पे आ चुकी है।
आप खुद देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये, इससे आपकी डेटा जो है मुकम्मल, आपकी डेटा जो है पूरी एज इट, इवन आपका लॉक स्क्रीन का फोटो भी आप देख सकते हैं। लॉक स्क्रीन का फोटो जो है मेरा वो भी यहाँ पे लग चुका है। तो सेम आपकी डेटा, जितनी भी आपकी डेटा है सारी एज इट, आपकी सारी डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगी इस न्यू डिवाइस में जो भी आप ट्रांसफर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।